और कहाँ चले गए? राजेंद्र राठौर जी, देखिए मैं नजर सब पर रखता हूँ, इसी बहाने अटेंडेंस उनकी भी लग गई। आपको राधा मोहन दास अग्रवाल का यह बयान तो याद ही होगा। इसके बाद करणी सेना भी भड़क उठी और राजेंद्र राठौर के समर्थक भी। यहाँ तक कि राधा मोहन दास अग्रवाल ने ये तक कहा था कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण उन्हें बैठक छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि इसके बाद न ही राजेंद्र राठौर ने कोई बयान दिया, न ही प्रदेश प्रभारी ने। बीजेपी नेताओं ने चुप्पी साध रखी थी और अब राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से जब ये सवाल पूछा गया तो देखिए मदन राठौड़ का क्या जवाब था। कितने लोग गैर मौजूद रहे, कितने लोग जिन्होंने विस्फोट के चले गए, उसको लेकर कहां की बात कर रहे हैं? जिसका जो आपके अभियान के लिए उद्घाटन हुआ था कार्यशाला का जो कंट्रोल बोर्ड, उसको सभी प्रभारी ने आपसे कहा था कि जो नहीं आए गैर मौजूद रहे उनकी भी हो तो नहीं? ऐसा कोई नहीं हुआ, ऐसा कोई काम नहीं हुआ, ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई। मैं था ना उसमें, ये तो उस समय हमें पता चल गया था तो हमने भेजा दो कार्यकर्ताओं को कि आपको नॉमिनेशन फॉर्म ले लीजिए, 5 बजने वाले हैं तो नॉमिनेशन फॉर्म लेकर के रख दो, बाद में भरेंगे। इसके लिए हमने दो कार्यकर्ताओं को भेजा था, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ उसी में से भेजा था, उसी दिन हमारे हाँ राजेंद्र जी राठौड़ और जोगेश्वर जी को हमने भेजा। हाँ क्यों बताएंगे, वो बताने की जरूरत नहीं थी। वो जो न तो राजेंद्र जी राठौड़ ने कोई प्रतिक्रिया दी, न हमने कोई दी। हमको तकलीफ नहीं, हमारे परिवार में हम सब भाई भाई हैं, एक हैं, हमारे किसको तकलीफ है? मुझे समझ में नहीं आया, जब राजेंद्र जी राठौड़ और मदन राठौड़ दोनों भाई भाई हैं तो किसको तकलीफ है? नहीं, उन्होंने कोई बयान ऐसा नहीं दिया, राजेंद्र जी के खिलाफ में कोई बयान नहीं दिया। देखिए हमारी पार्टी में ठीक है, कहीं किसी के प्रति कोई ऐसी बात नहीं है, किसी भी प्रकार की बात कभी भी हो ही नहीं सकती, हम सब संगठित हैं, अनुशासित हैं। मदन राठौड़ ने सबके सामने ये बात कबूल कर ली कि राजेंद्र राठौड़ को हमने भेजा था। अब ऐसे में सवाल ये कि जब प्रदेश अध्यक्ष को मालूम था तो उन्होंने प्रदेश प्रभारी को क्यों नहीं बताया? जब पूरे प्रदेश में इतना बवाल हुआ तब मदन राठौड़ ने सबके सामने आकर ये बात क्यों नहीं की, या फिर ये बयान अब मात्र लीपापोती ही है? हालांकि इस मामले पर राजेंद्र राठौड़ ने कभी भी कोई बयान नहीं दिया, वो हमेशा कहते रहे कि वो संगठन के साथ है, पर लोगों के मन में सवाल यही है कि आखिर उनको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है। और यही मामला गोविंद सिंह डोटासरा ने भी उठाया था, तो क्या भाजपा ने ये बयान देने में कुछ ज़्यादा देर नहीं कर दी? आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।